सो हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ ब्लॉग से। कैसे हैं गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि दिल्ली G20 सम्मेलन को आयोजित करने के लिए बिल्कुल तैयार है और 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के कई नेता भाग लेने के लिए आ रहे हैं, जिसमें जो बाइडेन, ऋषि सुनक और इमैनुअल मैक्रोन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया है और इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसको देखते हुए 8 सितंबर से 10 सितंबर तक राजधानी में सभी सरकारी दफ्तर, बैंक आदि और अनेक कार्यक्रम के कारण बंद रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली को काफ़ी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और इसको राष्ट्रीय राजधानी में 9 और 10 सितंबर को G20 की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और यह बैठक आप प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं कि 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे और भारत पहली बार इस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है और इसमें कोई भी कमी ना रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इस कड़ी में आज आप मंडपम परिसर में शिव नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और देख सकते हैं कि 20 कंट्री के यहाँ के फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये है गाइस भारत मंडपम और यहीं पे G20 का शिखर सम्मेलन होना है और इसको काफ़ी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है और इसको अंदर से आपको काफ़ी खूबसूरत ढंग से बनाया गया है और इसी परिसर में 9,000 से 10,000 लोगों को बैठने की क्षमता के यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है और नटराज की यह मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये अंदर से देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी अच्छे से इसको सजाया गया है। भारत मंडपम एक ऐसा हॉल भी बनाया गया है जो देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में 10,000 लोगों के बैठ सकने की क्षमता है। ये दुनिया के सबसे बड़े हॉल में से एक है और सिडनी ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस से कहीं अधिक बड़ा है। यह करीब 123 एकड़ में फैला हुआ है। ये प्रगति मैदान में है और भारत मंडपम 3 फ्लोर में बना हुआ है। ये अंदर का कुछ दृश्य आप देख सकते हैं और यहाँ यह G20 समिट होने जा रही है। इसके हर फ्लोर में आपको भारतीय संस्कृति की छाप देखी जा सकती है और इसे बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है और इसके हर कमरे और हर जगह पर भारतीय पारंपरिक विविधता, कला और बहु संस्कृति की विरासत देखी जा सकती है। भारत मंडपम की एक और बड़ी खूबी है कि इसमें ओपन एम्पीथिएटर भी बने हुए हैं और इसमें एक बार में 3,000 से अधिक लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये भारत मंडपम के ठीक बाहर आपको नटराज की एक मूर्ति देखने को मिलेगी जो सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई 27 फीट और चौड़ाई आपको 21 फीट है। वही इस मूर्ति का वजन लगभग 18 टन है और आपको बता दें कि इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स तकनीक के माध्यम से अष्ट धातु से बनाया गया है। इस मूर्ति का निर्माण श्री राधा कृष्णन की अगुवाई में शिल्प शास्त्र में लिखे गए सभी नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाया है। तो ये देख सकते हैं कि ये नटराज की मूर्ति जो सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये भारत मंडपम में लेजर लाइट शो के अंदर बात करें तो इसकी सजावट में हर राज्य के 8 वक्त का इस्तेमाल किया गया है और लेजर लाइट से इसको काफ़ी खूबसूरत ढंग से सजाया गया। तो ये नाइट का दृश्य है दोस्त गाइस और देख सकते हैं कि रंग बिरंगे हर तरह के लेजर लाइट से इसको जगमगाता हुआ काफ़ी खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली को G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी के लिए सजाया जा चुका है और भारत मंडपम पर नटराज की प्रतिमा लेकर सड़कों पर की गई पेंटिंग्स में देश की संस्कृति आपको दिखाई देगी। G20 सम्मेलन अध्यक्षता की आधिकारिक तौर पर ग्रहण की गई थी। G20 तैयारों पर भारत मंडपम एक रंगीन फुव्वारा लगाया गया है। भारत विश्व के सबसे मजबूत आर्थिक संगठनों में से G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रंग बिरंगे हर कलर से भारत मंडपम को सजाया गया है, यानी पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप
इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 40 से ज़्यादा देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की संभावना है और पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पर है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि G20 कैसे अस्तित्व में आया और G20 समिट की तैयारी तेज़ी से चल रही है और इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किया गया है। नरेंद्र मोदी ने भारत में होने वाली G20 बैठक को ऐतिहासिक बताया है। इसमें अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय नेता भाग लेंगे और शिखर सम्मेलन में 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को शामिल होना है और दुनिया भर के कई नेता 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के G20 सम्मेलन में होने के लिए उनके लिए खाने के लिए सोने और चांदी के प्लेट भी तैयार की गई है गाइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जी ये सोने चांदी के प्लेट और इसी प्लेट में G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को खाना परोसा जाएगा और इनके लिए बड़े बड़े होटल दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में बुक किए गए हैं। तो गाइस आप 8, 9, 10 तो बिल्कुल दिल्ली में घर से बाहर ना निकले और बिल्कुल चारों तरफ दिल्ली बंद रहेगी मेट्रो। तो गाइस 3 दिनों तक चलने वाली G20 सम्मेलन में काफ़ी सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इसीलिए आप इधर उधर ना भटकें, शांति से घर में रहें और टीवी पर बैठ कर एंजॉय करें G20 सम्मेलन का। तो ये देख सकते हैं ITC मोरिया की कुछ इंटरनल तस्वीरें हैं और इसी होटल में आपको जो बाइडेन यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत मंडपम को किस तरह शानदार तरीके से सजाया गया है और G20 सम्मेलन को लेकर के। थैंक यू सो मच।